अच्छा, जो ग्राहक को अच्छा लगे वो अच्छा होता है। नहीं, किस तरह जब कपड़ा आता है ना, खुद पता चल जाता है। अच्छा, ये बैग मिली है ट्रैवल करने के लिए खास कर। ये खाना लैपटॉप के लिए बनाया गया है इसमें, और ये कपड़ों के लिए। तो इसमें हम अपनी पैकिंग करते हैं, लेते हैं अपने मोबाइल का चार्जर और पावर बैंक, एक अदद बोया का माइक, और ये एयरपोर्ट्स हमारे आ जाएंगे इसमें। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, तो चले चलते हैं। इस बाइक पे हम जाएंगे, बाइक पे जा रहे हैं। वो मेट्रो जा रही है, मेट्रो मेट्रो ये मेट्रो को इसलिए देख रहे हैं आपको पता है कि पिछाओं में ठीक आवाज हो चुका है, और सुबह से कई दफा देखा है हाँ। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अड्डे पे, और यहाँ पर हम टिकट काउंटर तक जाकर मालूम कर रहे हैं कि टिकट अवेलेबल भी है कि नहीं। सवाल दो टिकट चाहिए, मिक्स मिक्स नहीं हाँ। थैंक यू। अच्छा, हमें टिकट थमा दिया गया है, टिकट हमें मिल चुका है, और टिकट हमारा नंबर है सीट का 11।
ये बैग जरा ऊपर रख दो। गाड़ी अभी तक मुकम्मल खाली, ये दूसरे अड्डे जाके वहाँ पर फिर फुल हो जाएगी। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बजे, तो यहाँ पर गाड़ी में हम तकरीबन 4-5 बंदे ही हैं, तो दूसरे अड्डे जाके मेरे ख्याल में वहाँ पर 10-15 मिनट ही वेट करेंगे और वहाँ से बंदे उठाकर फिर अपनी गाड़ी को फुल करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर गाड़ी रवाना हो जाएगी लाहौर के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि गाड़ी दूसरे अड्डे जाकर फिर वहाँ पर फुल होने की कोशिश करेंगी, तो वैसे ही हुआ। हम यहाँ दूसरे अड्डे तक आ गए गाड़ी में और यहाँ पर अब ये 10-15 मिनट वेट करने के बाद फिर अगर फुल हो जाती है तो फिर ये यहाँ से रवाना हो जाएगी। अगर फुल ना भी होती है तो भी ये रवाना हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ शॉप पे कुछ चीज़ें ले लूँ। मास्क मिल जाए जी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी स्टे हो रही है और ये जगह है कनकहार। लाहौर जाते वक्त अमूमन यहीं पर स्टे किया जाता है क्योंकि ये लाहौर और पेशावर के दरमियान है तकरीबन, तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ आकर स्टे कर लेती हैं। और यहाँ का लोकेशन कुछ इस तरह का है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे और स्टे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त जगह है। आप लोगों ने भी यहाँ पर स्टे किया होगा। और ये कनकहार पर स्टे जब हमने किया है तो वहाँ का वॉशरूम आप चेक करें, बहुत सफाई सुथराई है यहाँ पे और ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे, टॉयलेट बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हैं यहाँ पे। सफाई तो बहुत है, हाँ सफाई की हुई है यहाँ पे। ज़रा चेक करें, बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे, बिल्कुल सफाई है। ये क्या चीज़ है, कनकहार पर स्टे किया जाए और ये सीन ना चेक किया जाए तो ज़्यादती है भाई, ज़्यादती। सब लोग यहाँ पे आते हैं, देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सा सीन है। यहाँ पर स्टे करने का अलग ही मज़ा है, बंदा रिलैक्स हो जाता है, वॉशरूम यूज़ कर लेता है और इसका ये नेचर जो लुक है यहाँ पे, नेचर ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। आप यहाँ पर स्टे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ा आता है। बंदा सफ़र कर लेते हैं 2 या 2.5 घंटे या सफ़र के बाद यहाँ पर स्टे किया जाता है, बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है भाई। यहाँ पे सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, वॉशरूम यूज़ किया जाता है तो ऑन द स्पॉट ही साफ़ कर दिया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त। देखें हमारा एक भाई यहाँ पर सफाई कर रहा है, माशाल्लाह। भाई यहाँ पे बहुत महंगाई है, अगर आपको कुछ चीज़ लेना है ना तो अपने साथ लेके आए। अब ये कप आप देख रहे हैं 80 रुपये का पड़ा है, फिर कहार में सब चीज़ महंगी है, हर चीज़ डबल प्राइस में मिल जाती है। तो बेहतर ये है कि इंसान जो चीज़ उसको चाहिए अपने साथ लेके आए। हेलो जी, हम लाहौर बस टर्मिनल में मौजूद हैं या लाहौर हम पहुंच चुके हैं और अभी अभी वॉशरूम यूज़ करके वजू पड़ी है क्योंकि अब 10 मिनट कम 1 बज गए मेरे ख्याल में, तो नमाज का टाइम है, यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। ऊपर नमाज की जगह वहाँ पर मौजूद है, ये पीछे नमाज के निशान है, तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आगे निकलते हैं मार्केट के लिए। तो ये अभी हम नमाज पढ़ कर करीम बुक कर दिए और मार्केट के लिए अब जा रहे हैं।
और ये जगह तो आप पहचानते ही होंगे। जी हाँ बिल्कुल, दाता दरबार लाहौर का सबसे मशहूर जगह तो यही है। लाहौर आए और इस मज़ार पर हाजिरी ना हो तो लाहौर तो बिल्कुल अधूरा ही हो जाता है। तो जब भी आइएगा यहाँ पर हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। हाँ जी, तो करीम से उतर गए और यहाँ आप होटल में यहाँ पर खाना खा लेते हैं। ये रहा जनाब दिल्ली दरवाजा, यानी कि दिल्ली गेट। उत्तर लगा ले आजी साहब, जरा रो में लगा ले। क्या नाम है इस कपड़े का? ट्योबो जापान। ट्योबो जापान, ट्योबो जापान। ठीक है सर, इसको लगा ले। ये सर लगे लेना। ठीक है, हाँ सर पे लगा दूँ। हाँ दूसरा सर दिखा दे कुछ। एक मिनट इसको पहले। ये दिल्ली में दो शर्ट हैं, दोनों लेनी है। ज्यादा फर्क है कि थोड़ा फर्क है? एक ही कर दो सर, एक ही कर दो। हाँ इसको बस एक ही कर दो। अच्छा इसमें और कलर हैं? हाँ जी, एक दो तीन चार पाँच छः सात नहीं कभी उसको छोड़ दे, दूसरा कोई दिखा दे। 170 दिखा दे। जो आपने लिया वो भी ज्यादा नहीं सर, ये तो नहीं, ये नहीं, नहीं। या इस तरह करे कि इसमें कोई डार्क सा कलर दिखा रहे, क्योंकि
नहीं हल्के में इतना होता है कि फिर वो क्वालिटी स्पेशल बनती है, ऐसा कपड़ा ही नहीं बनता है, स्पेशल बना रहे स्पेशल क्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी थोड़ी भारी है, ये थोड़ा भारी हाँ थोड़ा भारी है लेकिन बिकता है ये बहुत। हाँ बिकता तो है लेकिन मौसम में इस तरह हो गया हाजी साहब के एक सेल ले जाऊंगा आपने बहुत बेचा है बहुत बिकता है नहीं हमारा अच्छा जो भी गांव में लेकर जाते हैं हां दो तीन साल हो गए सही है सर सही है ठीक हमारे ब्लू आंके सर हमारे ब्लू आंके हैं जरूरी ले जाओ इंशाल्लाह। ये क्या प्राइस है सर? 160 कमजोर है ये ब्रेकर गर्मी वाला है लेकिन कमजोर ज्यादा है सर। कमजोर हम माल ही नहीं बनाते हैं मजबूत माल हम बनाते हैं, कमजोर हमारे पास कोई माल नहीं है, हमारे पास 125 वाला वो भी मजबूत है माल। ठीक 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 दूसरा सर कोई दिखा रहे एक लाड़ में चले गए थोड़ा लाड़ में दिखा दे सर इसके अंदर इसके इतने नहीं मिलेंगे ना फैक्ट्री वाले ने ना 3-4 करोड़ में डिजाइन हल्का सा बना दिया 3-4 सादे बना हां ठीक है अच्छा लेकिन इसमें थोड़े इस तरह है कि इसका जो फर्श है थोड़ा तो प्लेन है इसमें हल्का हां हां इसमें थोड़े ये काले हां हां कितना क्या रेट है सर? 200 दाना 165 अच्छा उधर लगा हुआ 185 वाला वो नुक्कड़ में सही है 165 में तो सही नहीं कपड़ा तो इसका बहुत जबरदस्त है लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा ये इसका फर्श गंदा हुआ है मिल वाले का 200 रुपए का हकीजा पड़ा हुआ था वो तो ठीक है सर अच्छा सर कितने हैं सर 7 कलर है और इससे ज्यादा नहीं नहीं कोई मसला हमारा यार इससे ज्यादा तो नहीं होगा इंशाल्लाह आपने प्रॉमिस है कोई मसला ही नहीं बस उसका ये गलती हो गया हाँ और रेट में कोई प्राय मोहब्बत से कर दो सर इसको वो करते होते थे 180 बोल देते बिक जाना था फिर 180 भी बिक जाना था सबर कर सर कब बनाता ये थोड़ा बार देखे जरा मोटा है थोड़ा ये दरमियाना सा है अभी चलने हाँ ये मसला तो है ना नहीं अभी चलने वाला है नहीं कैसे चलेगा ये मेरे ख्याल में चलने वाली चीज है चलो इसको रहने दे सर चलो कोई बात दूसरी देख लेते ऐसा ना हो कि फिर मसला हो जाए कोई दूसरा एक ही लगा एक ही ये वाला जबरदस्त कपड़ा है ठीक थोड़ा कलर इसमें दिखा दे जी साहब एक कलर कपड़ा अगर खोल ले तो मजबूत है ना कलर को शुभ हो सभी हम बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं सही है हाँ छह ये बहुत है हाँ तब शुभ है इस लगे थे हाँ ये इस लगे थे देखा देखा तो कितनी मशीन छह ठीक है बस तो बहुत ही अच्छा है
लाहौर में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी है यार और रश पे इंतहा का रश। चलो आप मुझे बताएं, मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अच्छे कपड़े की पहचान हम किस तरह करेंगे, तो आप के बाल सफेद हो जो होता है ना मुलायम सा, मुलायम सा अच्छा ये हाँ। जैसे ये जी 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 ये अच्छा लगता है। अच्छा जो गा को अच्छा लगे वो अच्छा होता है। नहीं किस तरह पहचान करेंगे उसका, इस तरह तो नहीं कि बस ये नरम है, नरम कपड़ा तो हर कोई नरम कर दे। हाँ तो फिर किस तरह कोई इस तरह की क्वालिटी कोई ऐसी निशानी बता दे कि उससे हमें पता चल सके कि ये कपड़ा अच्छा है। यार वो जब हाथ में आता पता चल जाता है, हाथ में पता चलता है, यानी एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है। अगर नया बंदा आएगा तो उसे किस तरह, हाथ में जब कपड़ा आता है ना खुद पता चल जाता है। अच्छा अभी आपने कार्टून क्यों छोड़ा, आपने बोला अच्छा नहीं लगा। सही है नहीं वो तो हाँ दस दस काले मांग रहे हैं और आपने बोल दिया नहीं मुझे ज्यादा चाहिए सर, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। काला खाना नहीं आया मेरे को कार्टून में, कार्टून मैं दो दो तीन तीन अच्छा वो इस साइड ले लो, वो जो नहीं है वो मैंने बताया अंग्रेज वाला कौन सा बड़ा अच्छा चीज है। खैर थोड़ा देखते हो ये साहब। फाइनली अभी काम कंप्लीट कर लिया है, कोविड-19 की वजह से शॉप जल्दी जल्दी बंद हो रहे थे तो 6 से पहले हमने अपना काम कंप्लीट करवाना था और जो माल हम वापस ख़रीद लेते हैं तो उसको फिर पंडित के हवाले भी करना पड़ता है और वहां पर भी घंटा दो लग जाते हैं इस तरह, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी भी मैं काम ख़त्म करवाया। अब शाम हो चुकी है और शाम यानी नमाज का टाइम है तो अभी मैं मस्जिद में मौजूद हूँ। ब्लॉग करना काफ़ी मुश्किल था यहाँ पे लाहौर में, ख़ास तौर पर इस मार्केट में तो बहुत मुश्किल हुई हमें। हाँ तो यहाँ मैं इस कैश काउंटर पर मौजूद हूँ लाहौर, यहाँ से हम टिकट लेंगे पेशावर का और अब यहाँ से हम जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग को यहाँ ही पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।